दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में लगभग सभी चीजों का अंत जरूर है, जैसे कि तारे, ब्रह्मांड और प्लैनेट। इसलिए आज हम अपने वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमारा ये सवाल है, क्या समय का अंत है? और अगर है तो कब है? क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम है ना। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, टाइम और ब्रह्मांड आपस में कुछ यूं जुड़े हैं जैसे कि लाइट और शैडो। दोस्तों, जिस प्रकार लाइट के होने से हम परछाई को देख पाते हैं, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने से हमें वक्त यानी समय का आभास होता है। एंशियंट टाइम से ही लोग टाइम को जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। दोस्तों, टाइम स्पीड का एक इफेक्ट होता है। आप जानते भी होंगे कि स्पीड फास्ट या स्लो हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। न्यूटन के हिसाब से टाइम पूरे यूनिवर्स में एक जैसा चलता है, लेकिन आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम के डेफिनेशन को बदल दिया और अब पूरी दुनिया इसे ही मानती है। दोस्तों, आइंस्टीन के हिसाब से टाइम एक इल्यूजन है, यानी कि भ्रम। आइंस्टीन के हिसाब से यूनिवर्स में टाइम की स्पीड एक नहीं है, ब्रह्मांड में कहीं टाइम स्पीड स्लो है, कहीं ज्यादा है। उनके हिसाब से यूनिवर्स के भारी ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल के पास टाइम धीरे गुजरता है, और जैसे जैसे हम ब्लैक होल से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे समय की चाल तेज होती जाएगी। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि टाइम आखिर है क्या। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाइम एक रियल घटना है जो कि यूनिवर्स में होने वाले चेंज को दिखाती है। आसान भाषा में बोलें तो दोस्तों, चेंज ही टाइम है जो कि बीते हुए कल को प्रेजेंट करे द्वारा फ्यूचर से जोड़ता है। दोस्तों, आज से करीब 13,080 करोड़ साल पहले डेंस सिंगुलैरिटी पॉइंट में एक जोरदार धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस बिग बैंग से जन्म हुआ यूनिवर्स का और इसी यूनिवर्स के साथ जन्म हुआ टाइम का। दोस्तों, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक इस समय का अस्तित्व है। जिस दिन इस ब्रह्मांड का अंत होगा उस दिन टाइम अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि समय का अंत होगा कैसे, या दूसरी भाषा में बोले तो ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, है ना? बिल्कुल सही सवाल। तो दोस्तों, सब्र कीजिए, बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड ही सब कुछ है क्योंकि इसी में मौजूद है स्पेस मैटर। आपको पता होगा कि ब्रह्मांड का फैलाव इसके जन्म के वक्त से ही होता रहा है। ब्रह्मांड में मौजूद तारों के ईंधन की वजह से धीरे धीरे जलता रहा है। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा जिस दिन सारा का सारा ईंधन खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे ब्रह्मांड बढ़ता जाएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने हमारे सामने अजीब सी चीजों का खुलासा किया है, और वो खुलासा ये है कि ब्रह्मांड आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। हालांकि भले ही अर्थ पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नजर आए, लेकिन ब्रह्मांड में एक युद्ध सा चल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शुरुआत से ही लगा पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी, ब्रह्मांड में दो शक्तियां अपने आप को बचाने के लिए जूझ रही हैं। जानना चाहते हैं वो शक्तियां कौन सी हैं? सबसे पहले है ग्रेविटी, जो यूनिवर्स के हर एक चीज को एक साथ लाकर कुचलने की फिराक में है, जो ब्रह्मांड को एक आग के गोले में बदलकर बर्बाद करना चाहती है। वहीं दूसरी पावर है एक्सपेंशन, जो गैलेक्सी को खींच खींच कर ब्रह्मांड को ठंडा करके जमाने की फिराक में है। अब ऐसे में जीत किसकी होगी, ग्रेविटी की या एक्सपेंशन की, इस बारे में बोलना मुश्किल है। दोस्तों, ब्रह्मांड की इस लड़ाई में जो भी शक्ति स्ट्रांग होगी वही शक्ति ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी। इन दोनों स्ट्रांग महाशक्तियों के मुकाबले में तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। जानते हैं वो क्या है? बताएंगे दोस्तों, लेकिन अब तक आपने वीडियो को जो लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए ना। दोस्तों, सबसे पहले पॉसिबिलिटी है बिग फ्रीज। सोचिए, अगर ब्रह्मांड का एक्सपेंशन ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड ठंडा होकर जम जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी देखें तो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन और ग्रेविटी में ऐसे लड़ाई जारी रही और ऐसे में अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रही तो ब्रह्मांड में एक नाजुक संतुलन बन जाएगा जिसके चलते ब्रह्मांड का एक शेप बन जाएगा। रही तीसरी पॉसिबिलिटी की बात तो आपको अंदाजा लग गया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ग्रेविटी जीतती है तो वो पूरे ब्रह्मांड को खींचकर एक पॉइंट पर ला देगी और पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिमट जाएगा। उसके बाद फिर से ब्रह्मांड उसी सिचुएशन में चला जाएगा जहां से ब्रह्मांड शुरू हुआ था। दोस्तों, ऐसा हो सकता है इसके बाद फिर से बिग बैंग होगा और फिर से नया ब्रह्मांड बने। अब इन दो महाशक्तियों में जो भी शक्ति जीतेगी वही दोस्तों इस टाइम का अंत करेगी, और इसका कारण ये होगा समय हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। दोस्तों, समय के बहाव को एरा ऑफ टाइम बोलते हैं। दोस्तों, आप जरा ध्यान से सोचेंगे तो आपके सामने एक सवाल आएगा कि समय हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों चलता है, समय कभी पास्ट में क्यों नहीं चलता।
है ना दोस्तों, सोचने वाली बात। चलिए आज हम आपको इसका कारण भी बता देते हैं। दोस्तों इसका कारण है थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ में एक टर्म आता है एंट्रोपी, जो कि ब्रह्मांड में डिसऑर्डर बढ़ रहा है। जैसे कि पहले ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट में था, फिर एक धमाका हुआ जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा और आज तक ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड में डिसऑर्डर फैल रहा है, इसे ही एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। चलिए इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कागज लिया और उसके बहुत सारे टुकड़ों में फाड़ दिया। इसके बाद अगर हम आपसे बोलें कि इन सारे टुकड़ों को वापस जोड़कर पहले जैसा बना दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? आप भले उस पर टेप लगा दें, बावजूद उसके पहले जैसा नहीं हो पाएगा। ठीक यही है एंट्रोपी दोस्तों। दरअसल दोस्तों ब्रह्मांड में डिसऑर्डर हर एक पल बढ़ता जा रहा है और ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। इस बढ़ते हुए डिसऑर्डर के चलते ही हम बीते हुए कल और आज में फर्क महसूस करते हैं। इन्हीं डिसऑर्डर की वजह से हमें चीजों में बदलाव नजर आता है और यही बदलाव तो है दोस्तों जो हमें टाइम की अनुभूति कराता है। जरा सोचिए अगर ब्रह्मांड में टाइम रुक गया तो चेंज की पूरी प्रक्रिया रुक सी जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर ब्रह्मांड में ये डिसऑर्डर रुका तो वक्त भी रुक जाएगा। हमारे कहने का मतलब है एंट्रोपी की वजह से हम पास्ट और प्रेजेंट में अंतर महसूस करते हैं। सोचिए अगर एंट्रोपी नहीं होगी तो ब्रह्मांड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम आज के वक्त में और करोड़ों साल बाद में टाइम में कोई डिफरेंस महसूस नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ना ही हम कभी बूढ़े होंगे, ना ही हम कभी मरेंगे। साथ ही इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप क्या कर रहे हो। लेकिन याद रखिए समय हमेशा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और याद रखिए हमारे ब्रह्मांड का अंत इन्हीं दो महाशक्तियों में से एक से होगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रह्मांड फैल रहा है, इसीलिए ब्रह्मांड के एक्सपेंशन और ग्रेविटी में रस्साकस्सी जारी है। अभी तक तो हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंशन और कोलैप्स्ड यानी कि सिकुड़ने के बीच एक संतुलन बनाए हुए नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अपने संतुलन को बनाए रख पाएगा? क्या कोई चीज है ऐसी जो इस संतुलन को बिगाड़ सकती है? दोस्तों ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत तो बिग बैंग के समय से ही हो चुकी थी। इस एक्सपेंशन ने अच्छा खासा मंच बनाया जिस पर हमारा आज का ब्रह्मांड टिका है। लेकिन दोस्तों अगर ये जन्म से नियंत्रित नहीं रहता तो हमारा विश्वास कीजिए ये ब्रह्मांड कब का खत्म हो गया होता। वैसे दोस्तों अगर अभी की बात करें तो एक्सपेंशन ग्रेविटी पर भारी पड़ रहा है जिस कारण से ब्रह्मांड का अस्तित्व है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेविटी और एक्सपेंशन इन्हीं दोनों की वजह से अब तक बैलेंस में रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर ब्रह्मांड का विस्तार ज्यादा तेजी से होता तो ये इतनी तेजी के साथ खाली होता कि गैलेक्सी स्टार्स और प्लैनेट के बनने के लिए वक्त नहीं बचता। दोस्तों हम इस ब्रह्मांड को देख पाते हैं इसका कारण है एक महाशक्ति। दोस्तों ग्रेविटी ने ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार पर रोक लगाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि ग्रेविटी और मैटर हमेशा साथ रहता है। कोई चीज जितनी बड़ी होगी वो अपने आसपास की चीजों पर उतना ज्यादा दबाव बनाएंगी। इसी ग्रेविटी ने सितारों को बनाया, प्लैनेट्स को बनाया और तो गैलेक्सी को बनाया। लेकिन दोस्तों ये ग्रेविटी किसी तलवार से कम नहीं है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड का एक्सपेंशन धीमी रफ्तार से होता है तो ये ग्रेविटी फैलाव पर हावी हो जाती और ये पूरे के पूरे मैटर को एक मिनट में खत्म कर देती। और तो और दोस्तों प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी बनने से पहले ही वो एक पॉइंट में समा जाता। और ऐसा करके दोस्तों ये ब्रह्मांड कब का खत्म भी हो जाता। दोस्तों आज हम एक बैलेंस्ड ब्रह्मांड में रह रहे हैं और इसकी उम्र काफी लंबी है। ये ब्रह्मांड कुछ गति से फैल रहा है, हमें डेवलप होने का वक्त मिल रहा है। दोस्तों इन्हीं दोनों के जंग की वजह से 13 अरब 80 करोड़ साल तक कायम रहा है ये। अब ये संतुलन कितना स्थिर है इस बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे पृथ्वी पर भले ही हम सब कुछ शांति से गुजार ले, लेकिन ऊपर ब्रह्मांड में सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। और वैसे भी ये स्पेस अपने अंदर कितना राज समेटे, हर दिन हमें कुछ नया जानने को मिल रहा है। खैर अब तो आप समझ गए होंगे आखिर ये टाइम कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।